Hello students, I am KL Sharma teaching you social science. In class 9, students, we are studying chapter number 1, The Story of Village Palampur in Economics, part 1. Students, हम लोग विलेज पालमपुर के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे. The Story of Village Palampur. Students, Village Palampur is an imaginary village. It is not an actual village, but all the activities which are done in the village. In Village Palampur is shown as, जो भी Village Palampur एक काल्पनिक गांव है, कल्पना की गई है कि जिस तरीके से गांव में फैसिलिटीज होती है, उसी तरीके से सारी फैसिलिटीज विलेज पालमपुर में है. तो एक इंट्रोडक्शन है विलेज पालमपुर का. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. विलेज पालमपुर ये इसके आसपास के गांव से और कस्बे से जुड़ा हुआ है. स्टूडेंट्स, रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर एंड नियरेस्ट स्मॉल टाउन इज शाहपुर. विलेज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे रायगंज है और बहुत ही नजदीकी जो छोटा कस्बा है वो है शाहपुर. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज यूज फॉर विलेज पालमपुर टू टाउन. स्टूडेंट्स, किस तरीके के आवागमन के साधन विलेज पालमपुर में शहर जाने के लिए, कस्बे जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Many kinds of transport are visible on the roads of Village Palampur. Village Palampur की सड़कों पे बहुत सारे जो आवागमन के साधन हैं, जैसे bullock carts, tangas, bogies, motorcycles, jeeps, tractors and trucks. तो आप जानते हैं students कि आज हम लोग जो है development के दौर से गुजर रहे हैं, तो अभी भी गांव में बुलक कार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, टांगा आज भी है, और वो जो बग्घी जो भैंसे वगैरह को जोड़ करके खींचे जाते हैं किसानों के सामने अनाज वगैरह. मोटरसाइकिल तो डेवलप हो ही गया है, बहुत ज्यादा गांव में इस्तेमाल किया जाता है, और जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स. Students, so what kind of people live in the village Palampur? Village Palampur में किस तरीके के लोग रहते हैं? About 450 families belonging to several different castes. अलग-अलग जाति के लोग जो है, लगभग 450 families रहती हैं. तो the 80 upper caste families own the majority of land in Palampur. 80 जो ऊंचे परिवार हैं, ऊंची जातियों के लोग हैं, वो 80 परिवार हैं. दे हैव पक्का हाउसेस. देयर हाउसेस आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स. उनके घर जो है पक्के हैं, ईंट और सीमेंट प्लास्टर्स हैं. एंड द एससीज, इट मींस दलित पीपल, कंप्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन एंड लिव इन 1 कॉर्नर ऑफ द विलेज. देयर हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. और 1/3 80 families upper class and 1/3 of population, it means so 450 by 1/3 is equal to 150 people. 150 families living in the one corner of the village. They are SCs, Dalit, and their houses matter and history. उनके घर जो है वो कच्चे घर होते हैं, घास फूस और मिट्टी के बने हुए. And rest of the people, it means middle lower class people, rest of the people they are and live in the village. I hope you will have understood and knew about the village Palampur and introduction. We will discuss more about in our next lecture. Okay, thank you students.